सो दिस इज टाइम जब रेड एफएम के कॉलर्स पूछेंगे सोमी खान से सवाल. स्टूडियो में होती तो और मजा आता बट ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कॉलर्स हम उठा के इधर ले आए. थैंक यू सो मच, मजा आएगा कॉलर्स को सुन के उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे के. तुम्हारे एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. चलो लेट्स ब्रिंग इट ऑन. Hi Akriti, hi Somi. Hi. Somi, I'm a big fan of yours. Thank you. बहुत ही अच्छे लग रहे थे. शुक्रिया शुक्रिया आपका. मुझे आपको खाली एक सवाल पूछना था, अभी आप किसके जीतने की प्रार्थना कर रहे हो? जी मैं अपने कॉमनर्स के झंडे को लहरा रही हूँ और कह रही हूँ कि वो जीत के आए. मोस्टली मैं चाहूँगी दीपक जीत के आए उनमें से. दीपक का गेम मैंने थ्रू आउट देखा है, काफ़ी स्ट्रांगली खेला है उन्होंने. अपना टास्क परफॉर्मेंस हो या घर में प्रेजेंस हो, लोगों को एंटरटेन करना हो अपने गानों से, तो वो बहुत अच्छे रहे हैं. तो आई एम श्योर उनमें से ही कोई जीत के आएगा और मैं प्रे भी कर रही हूँ, या तो फिर केवी. केवी इज ऑल्सो देयर, हमारे महान केवी. आप बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स मी. मैं सिर्फ आपको यही पूछना चाहती हूँ कि किसके जीतने पर आपको बहुत ही ज्यादा दुख होगा? किसके जीतने में बहुत ज्यादा दुख होगा? जीतने में किसी के बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, पर बुरा लगेगा अगर श्रीशांत जीतते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो जज्बा नहीं दिखाया है जीतने का. वो हर बार एक कहते थे कि मुझे ट्रॉफी, मेरे घर पे बहुत ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, मुझे ये ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे घर से निकलना है. एक उनमें ही वो शिद्दत मुझे नहीं दिखी है. हमेशा उन्होंने अपने ज़्यादा घमंड को दिखाया है शो में थ्रू आउट. और मुझे नहीं लगता एक ऐसा इंसान जो बार बार बोलता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस ट्रॉफी से या मुझे इस घर से निकलना है, तो वो जीतना डिजर्विंग नहीं करता है. तो या श्रीशांत. हाय अकृति एंड हाय सोमी. मेरा नाम अजित है, मैं सबसे बड़ा फैन हूं एंड ऑल दैट. हाय अजित, बट यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. क्वेश्चन है आपसे, आप क्या कंसीडर कर रहे हो, आई मीन टीवी या बॉलीवुड? बॉलीवुड, आई एम श्योर कोई टीवी और बॉलीवुड को रखा है. टीवी भी बहुत बड़ा मौका है, टीवी पे भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं. जहाँ सलमान सर जैसे बड़े सेलेब अगर होस्ट करते तो टीवी भी अब छोटा पर्दा नहीं रह गया. मैं कहूँगी वो भी बहुत बड़ा पर्दा बन चुका है हम सब के लिए. तो टीवी हो या बॉलीवुड, जहाँ भी अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, आई विल गो फॉर इट. या थैंक यू. हाय सोमी, आप हमें बिग बॉस में बहुत सिंपल और सोबर लगी, तो आपको लग रहा है कि जसलीन अभी आपकी स्टाइल कॉपी कर रही है? मैं ये नहीं कहूँगी वो किसी को, मैं कॉपी की बात नहीं कही थी. एक कॉम्पिटिशन देखा था पहले उन्होंने सृष्टि के साथ भी वो चीज़ की थी कि अगर सृष्टि तैयार होके आती थी तो एक कॉम्पिटिशन था कि उनको बेहतर दिखना है. सो वही कहीं ना कहीं मैंने अंदर जब एंड के डेज में वो थी घर के अंदर, तो मैंने अपने लिए भी फील किया कि जहाँ अगर मैं कभी रेडी होके आती हूँ तो उनका रहता था कि नहीं मैं बेहतर दिखूँ और मैं कैसे और बेहतर दिख सकती हूँ. तो कॉपी नहीं करती थी, पर हाँ वो कम्पीट करती थी अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए. और मैं जसलीन से यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको किसी से कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मुझसे, क्योंकि आपको मैं अपना कंपटीशन नहीं मानती जसलीन. हाय आकृति, हाय सोमी, हाय हाय. बिग बॉस को कॉन्स्टेंटली फॉलो करती हूँ, तो एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप कोई रिलेशनशिप में हो क्या? अगर नहीं तो फिर आपको कैसा लड़का चाहिए? इतनी बड़ी चाची. मैं रिलेशनशिप में कोई अभी नहीं हूँ. और मुझे कैसा लड़का चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है यार. तुम भी लड़कियों समझती होगी हम लड़कियों की कैसी सोच होती है. हमें बिल्कुल बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला, लॉयल इंसान चाहिए. और हाँ, डेफिनेटली एक लॉयल, केयरिंग, लविंग और बहुत लंबी लिस्ट है. पॉइंट्स बताती रहूँगी ना तो डायरी भर जाएगी, तो अभी 3 पॉइंट्स बताती हूँ, दैट्स इट. हाय अकृति, मैं आपको रोज सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये चैनल नंबर 935. और हाय सोमी, आप बहुत क्यूट, मैं जब बहुत ही हाउस में आए थे तब से मैं आपको देख रहा हूँ. मेरा सवाल आपसे ये, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि दीपक के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग थी, और या सिर्फ बिग बॉस के लिए ये सब प्लान था? और आपको कैसा फील हुआ जब दीपक ने आपको बचाने के लिए उनका हेलमेट आपको दे दिया? अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कुछ प्लान था उस घर में. हम जितने भी कॉमनर्स आए हैं, या मैं स्पेशली मैं अपनी बात करूँ या दीपक को, मैंने जितना देखा है कुछ भी प्लान नहीं लगा मैं मुझे, क्योंकि प्लान्ड होता तो वो चीज़ पता चल जाती. और कहीं ना कहीं उन्होंने कोई हद नहीं क्रॉस की, या हम दोनों ने एक रिलेशनशिप वहाँ पर क्रिएट नहीं किया. उनका प्यार था, उनका जो फीलिंग्स थी मैंने उसकी रिस्पेक्ट की, लेकिन हमने अपनी दोस्ती ही निभाई थ्रू आउट. कभी कोई लव एंगल या रोमांटिक एंगल नहीं दिखाया है. अगर गेम के लिए करना होता तो हम एक रोमांटिक एंगल दिखाते या कुछ ड्रामा क्रिएट करते, बट हमारा जो भी रिलेशन था फ्रेंडशिप का या उनका प्यार मेरे लिए, वो सब जेन्युइन था.
और जब उन्होंने अपना हेलमेट दिया तो आई वॉज लाइक दीपक यू ऑल्सो फाइट फॉर योर सेल्फ पे, सभी वहाँ कहीं ना कहीं अपने लिए खेलना चाहते थे, मैं भी अपने लिए खेल रही थी, पर उनका वो जेस्चर देख के आई एम श्योर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि वो बहुत ही केयरिंग एंड लविंग है, एंड डेफिनेटली आई फेल्ट वेरी गुड। हाय टोमी, आप बिग बॉस में बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत मजा आया आपको देख के, और आप ऐसा लग रहा था कि आपको रोहित के लिए फीलिंग्स है, तो ऐसा है क्या? ये मैंने बहुत ही नया क्वेश्चन सुना है बहुत दिन से। रोहित कहाँ से आ गया? रोहित नहीं, हम कभी कभी रोहित के साथ, बल्कि दीपक को छेड़ती थी मैं जरूर, रोहित से कहती थी चल आ जा बैठ जा अपन बातें करते, अभी देखना दीपक का कैसा रिएक्शन आएगा, और रोहित भी वो चीज़ पर्पसली करता था, सुमी ले मेरे हाथ से खा ले, तो अब देख देख दीपक देख रहा है, तो ऐसी चीज़ें मस्ती करते थे। रोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और प्लीज़ यार अभी दीपक का अभी रोमल था, अभी रोहित नहीं, रोहित को तो बख्श दो, ये कनेक्शन रहने दो प्लीज। फैंटास्टिक, बजाते रहो।